हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। तो बिल्कुल, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। यस। हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके हैं। 3 दिन हो गए हमें रामगढ़ आए हुए, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि दोनों की तबीयत खराब थी। योगेश के भी काफ़ी, दिल्ली से, वैसे तो दिल्ली से आते वक्त ही इनकी तबीयत ख़राब थी। यहाँ आते आते हम लोग और ज़्यादा हो गए। मेरे शोल्डर पेन, योगेश के पेट टू में शोल्डर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। सिर्फ हम आपको अपडेट के लिए आए थे। हमने बोला बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले नहीं रामगढ़ आके, तो आप सबको अपडेट करने के लिए हम आए थे। 3 दिन की बारिश के बाद आज हम बाहर निकले। हाँ, 3 दिन नॉन स्टॉप बारिश। बिल्कुल थोड़े से, जबकि मैंने पेड़ भी लगाए हैं जो हम दिल्ली से लाए थे, तो वो भी दिखाती हूँ। और साथ में जो 3 दिन की बारिश हुई है हमारे यहाँ उसका अपडेट हम शॉर्ट्स में डालते रहे हैं, रेगुलर वे में, खिड़की से अपनी। बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ चुकी है। हमारे 2 खेत टूट गए हैं। हाँ, थोड़े से बारिश की वजह से ना, जो हमने खेत तैयार कराए थे वो टूट गए हैं, तो वो रिपेयर होंगे। हाँ, और हमारे आड़ू के जो पेड़ है उनका भी अपडेट आपको बताती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। दिखा दो रोमा, आप नहीं आओगे? तुम दिखा दो थोड़ा सा। ये हमारे आड़ू के पेड़ जो लगाए हुए थे, आपने देखा था वो डनिया डनिया लगी हुई थी। ये हमारे पत्ते भी आ गए और फ्लावर्स भी आ गए इनमें। और जो ये आपको आगे आगे चल चल के दिखा रहा है, ये आड़ू का है, इसमें भी पत्ते आए हैं। एक्चुअली बारिश की वजह से ना सबके फूल झड़ गए। ये देखिए, सब में फूल आ गए हमारे। अभी बस आड़ू में आए हैं। प्लम का अभी मुझे आइडिया नहीं है। योगेश से भी मैं डिस्कस कर रही थी कि योगेश, हमारे ना सारे आड़ू के पेड़ तो आ गए हैं पत्ते वगैरह, पर ये जो हमने प्लम के पेड़ लगाए थे उसमें अभी कुछ नहीं हुआ। बट हो सकता है इसमें टाइम ले गया। ये प्लम का है हमारा, हमने 8-10 पेड़ लगाए हैं प्लम के भी, बट अभी कुछ पुलम के पेड़ों में कुछ नहीं दिख रहा मुझे। सिर्फ उसमें प्लम के पेड़ों में ना सिर्फ डंडिया कोपले कोपले आती हुई दिख रही आ है, रही है। वहाँ हल्की हल्की हाँ रे, छोटी छोटी सी, यस। कोपले आती हुई दिख रही है। जैसे ये वाला पेड़ भी है पुलम का, इसमें भी आप अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी कोपले आ रही है, हल्की हल्की कोपले आनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। और जो ही देखिए कहाँ से, मतलब उधर चला जा रहा है कि मैं नीचे भागूं, इसी की वजह से ये जाल लगा था। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, ये देखिए, ये सारे आड़ू के पेड़ हमारे पत्ते वत्ते सब निकल आए हैं अच्छे से, और ये काफ़ी बड़े बड़े भी दिखने लगे हैं। और यहाँ मैंने आलू बोए हुए हैं, इस जगह पर हमने बुआ दिए थे, क्योंकि उस टाइम हम दिल्ली चले गए थे तो पीछे से मैं देकर गई थी आलू कि ये यहाँ बो देना। और जो हम दिल्ली से प्लांट्स लाए थे वो ये नया खेत बनाया है, तो इसमें हमने ये वाले मिर्ची के, कल थोड़ी देर बारिश बंद हुई तो मैंने ये सारे मिर्ची के पेड़ लगवा दिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो भी मैंने बोला चलो ये थोड़े से मिर्ची के पेड़ लगा देती हूँ, फिर देखते हैं जितना बड़े होते हैं। और यहाँ ये कड़ी पत्ता लगा चुके हैं, ये भी बो दिया था। ये शमी का पेड़ है और साथ में तुलसा जी लगा दी इस जगह पे। ये सब प्लांट्स जो हैं वहीं से लाए थे। और यहाँ भी आप अगर देखेंगे एक छोटा सा तुलसा जी का पेड़ लगाया मैंने ये, और ये भी है एक पेड़ लगाया, ये भी लाया वहीं से दिल्ली। और यहाँ पर मैंने बो के गई थी जुकुनी, अभी निकले नहीं है पेड़, अभी बीज बोए हुए हैं इसके। और ये जो पेड़, ये आप कपड़ा देख रहे हैं ना बोरी का, ये यहाँ पर हमने पौध के लिए बीज डाले हुए हैं। अब जब पौध निकलेगी फिर बीज इसका हम पौध सब जगह फैला के लगाएंगे। और यहाँ भी ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगा दिया मैंने। वाला अपडेट था जो कि अभी बताया योगेश्वर मैंने आपको, ये हमारा पूरा खेत टूट गया है इस जगह का, जिसमें हमारे मटर तक आ गए थे इस खेत में, ये सारा टूट गया यहाँ से।
ये पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक टूटा है, और दूसरा वाला खेत टूटा है नीचे वाला, पर उसकी उसकी फिर भी रिपेयर हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा टूटा है, पर जो मटर लगे थे वो सब बर्बाद हो गए। बहुत बुरा लगता है जब ऐसे नुकसान होता है ना, नए खेत बने हुए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, बहुत ज़्यादा। पालक भी निकल आई है सारी, उधर धनिया भी आ गया हमारा, इधर राजमा बो रखी है, वहाँ प्याज है, सारे आ गए हैं। मतलब जो हम 10-12 दिन वहाँ रहे हैं नोएडा, तो काफ़ी अच्छा आ गया है। यहाँ पर पेड़ों में फ्लावर आ रहे हैं, ये लाई का पेड़ आ गया, इसमें बीज आ गए, ये बांझ का पेड़ लगाया है, अब ये बांझ का है क्या है मुझे भी नहीं पता चल रहा। ये फ्लावर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और भी लगा रहे हैं हम फ्लावर्स के पेड़, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और एक बार हम रोज़ का पेड़ लाए थे जब स्टार्टिंग में ये क्यारी बनाई थी हमने, वो भी नई नई खोपले आ गई उसमें। ये देखिए अब जब फ्लावर आएगा तो दिखाते हैं। यहाँ जो लड़के काम करते हैं वो लेकर आए थे ये वाला पौधा, ये पौध, बहुत सारे पेड़ लाते रहते हैं कि मैडम कटिंग से लग जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं पूरा जंगल बन गया है क्यारी हमारी। मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है, मैंने इसके बीज बन जाएंगे तो मन कर रहा है अब या तो उखेड़ दो इसको, अब इसमें नया शुरू करें, अब नई सब्जियां बोएंगे, तो ये भी कल उखड़वाते हैं फिर इसमें नई सब्जियां लगवाते हैं, क्योंकि अब सब्जियों का सीज़न आ चुका है। और योगेश अपना उधर पीछे सारा सेट करके आए हैं, हैं योगेश? थोड़ा सा वो जाल को ठीक करना था, हाँ थोड़ा खुल गया था तो उसको मैंने ठीक कर दिया है, ताकि ये महान आत्मा भागे नहीं। ये तो महान आत्मा है हमारे घर की, इसी की वजह से तो सारी ये हमारी पूरी बॉन्ड वॉल हुई है। हाँ, बाकी अब कल से तैयारी शुरू करते हैं, देखो अब कल से कौन कौन सी लेबर आती है तो ऊपर का काम शुरू हो, क्योंकि कल हमारे ब्लॉक्स भी आ रहे हैं और सरिया भी आ रहा है। हाँ, ये सब आ जाएगा तो काम धड़ाधड़ शुरू होएगा। बिल्कुल, और जब वापस आए तो एक प्याज अंदर उगा हुआ मिल गया तो रोमन ने उसको भी लगा दिया। ये भी लगा दिया मैंने प्याज का, मगर ये अभी ढीला है। नहीं, हो जाएगा बाद में अपने आप ही। ये मैंने जैसे आपको दूर से दिखाया था, ये तुलसा जी लेकर आई थी, अब इस पे दिया भी जलने लग गया है, और तुलसा जी के साथ में शम्मी तो लगता ही लगता है, शम्मी का पौधा। और ये जो सारे ये मिर्ची के पौधे आते आते मर गए थे, ये सारे जिंदा हो गए। मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा हो गए अच्छे, थोड़े से थोड़ा टाइम लगेगा अभी इनको, मगर ये जल्दी हो जाएंगे। नमी बहुत ज्यादा आ रही है जूतों में, आप देख सकते हैं मेरे जूतों के निशान भी आ रहे हैं। हाँ, वो दब रहा है ना, नया खेत है ये, बिल्कुल फ्रेश खेत है, तो मिट्टी जब तक इसकी बैठेगी नहीं नीचे की, तब तक ये ऐसे ही दबता रहेगा और फिर हो सकता है टूट भी जाए। हाँ, पर नहीं, अब दबेगा ये खेत ना, जितनी बारिश हुई है ना 3 दिनों में, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब मिट्टी ने अब्सॉर्ब कर लिया पानी को। अब देखो दोस्तों, आप लोगों की दुआएं साथ रहनी चाहिए ताकि हमारी मेहनत जो है वो बार बार ना होती रहे। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सामने, मेहनत के साथ साथ पैसा बहुत लग रहा है। पैसा तो देखो मेहनत है, बहुत तो पैसा लग रहा है। और ये आलू लगा रखा है रोमन? हाँ, वो तो मैं दिखा चुकी हूँ सारा, बस यही छोटा सा एक अपडेट हमने करना था, हमने सोचा था एक छोटा सा अपडेट दे दें आप लोगों को। ठंड बहुत है। हाँ। और वो वाली ठंड नहीं है जैसे -डिग्री टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, ठंड बिल्कुल चिल्ड हवाएं चल रही है फ्रेंड्स, और कहते हैं गीली ठंड। हाँ, और सुनने में आया है, मतलब आई एम नॉट श्योर के गागर में बर्फ गिर गई है। हाँ, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारी तबीयत ही नहीं ठीक लग रही थी और गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था, और ऊपर आप देख रहे होंगे काले बादल भी आ गए, फिर बारिश आने के आसार। हाँ, बन गए हैं लग रहा है, पूरा काले बादल आ गए हैं, सफेद और काले। दोस्तों ये था हमारा अपडेट कि हम 3 दिन आप लोगों से मिलने क्यों नहीं आए, और इसीलिए हम लोगों ने आज ये ब्लॉग बनाया, चाहे वो 5 मिनट या 7 मिनट का ही ब्लॉग बनेगा, बट आप लोगों तक अपडेट आ जाएगा कि हम लोग अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत है। हाँ। बारिश बहुत थी, बहुत बारिश थी।
आज हमने अभी तक लंच भी नहीं किया, तो लेट हो गए हैं। थोड़ा देखते हैं, अंदर जाके लंच करने की कोशिश करते हैं, अगर खाया गया तो ठीक है, नहीं खाया गया तो चाय पराठा खा लेंगे। यही है। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 दिन का अपडेट आज तक का। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।